दादाजी एकदम सीरियस हो गए हैं। कची दादाजी को प्रॉब्लम था जो निकाल दिए हैं, अब देखते हैं क्या कचड़ा कचड़ा था। दादाजी इधर आ गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मुझे बिल्कुल ही ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि घर में किसी के साथ भी ऐसा होता है ना तो मानो पूरा रोह सी कांप जाती है। अभी एक दुख से हम उभरे भी नहीं थे, आप सब भले देख रहे होंगे कि मायका में मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, नहीं कभी कभी मैं आपके साथ हंसी खुशी अपडेट रह रही हूँ। और दीदी भी यहाँ पे चली गई क्योंकि दीदी की बेबी का एग्ज़ाम था और डू का भी एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं जा रही हूँ। जब तक भाभी नहीं आ जाती हैं मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। रीज़न है क्योंकि मम्मी कुछ भी काम नहीं कर पा रही हैं, वो थोड़ा सा भी काम कर रही हैं ना तो तुरंत उनका हरासमेंट हो जा रहा है, मतलब वो नहीं कर पा रही हैं। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि दीदी आखिर आपकी मम्मी को हुआ क्या, तो मैं एक बार डॉक्टर ने मम्मी को बहुत ही बेड रेस्ट बोला है लेने के लिए, क्योंकि मम्मी का पैर में ना बार बार पूरा पैर सूज जा रहा था और जो पैर में झिनझिनी होता है ना वो पूरा हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ। तभी मुझे बेटा बेटा हाँ खेला, और आपको पता है मुझे जब मतलब मैं ऐसे हमेशा आपके साथ हंसी खुशी वीडियो शेयर करती हूँ। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं सोचती हूँ कि नहीं आप सभी बहुत तरह के ऐसे कमेंट कर रहे हैं, और मुझे पता है अभी भी लोग बहुत तरह का मुझे ये बोलेंगे कि तुमको वीडियो बनाना जरूरी नहीं था, तुमको अपने ससुराल चले जाना चाहिए था। तो मुझे बहुत लेट से ये चीज़ पता चला कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और बहुत मुश्किल से मम्मी ने मुझे समझाया कि कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। फिर मैंने बहुत जिद किया इनसे कि मैं आ रही हूँ, पर ये बोले, पूरे फैमिली वाले बोले कि अकबकाने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है और फिलहाल अभी वो बिल्कुल बेहतर हैं, डॉक्टर ने समय रहते उनका इलाज कर दिया, वरना आज बाबा को हम लोग खो देते। क्योंकि हमने अपने ससुर जी को तो नहीं देखा था, पर ससुर जी को बाबा के रूप में देखते, क्योंकि बाबा ने बहुत मतलब जब भी बाबा यहाँ आते थे ना तो बहुत ज़्यादा बाबा हमसे मान सम्मान बहुत मतलब लगाव है। जब पहली बार बाबा यहाँ पे आए थे ना तो जब अपना कहानी बताने लगे थे ना पापा लोग के बारे में, तो मेरे घर के लोग सभी को रो दिए थे। और उसमें मेरी शादी हुई मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, अगर मेरे पास वो ब्लॉग रहता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। और बाबा को बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग मानते हैं, बहुत ज़्यादा, मेरा मतलब मन बिल्कुल भी यहाँ नहीं लग रहा है। फिर वहाँ भी सबको समझाने लगे कि अगर गाने की बात है आपकी मम्मी का भी वहाँ ख्याल रखना है। फिर इसके बाबा बोले कि हम यहाँ पे हैं, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो गया है। और घर में सबको बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और मेरे घर के लोग भी बहुत परेशान, बोले कि नहीं चलते हैं। फिर किसी को ये नहीं लगे कि हाँ हम नहीं गए, लेकिन फिर भी वहाँ से फ़ोन आया, बोले कि अगर गाने की बात नहीं, सब ठीक है, बाकी जो भी होगा ब्लॉग में आपके साथ अपडेट रहेंगे ही। अच्छा नहीं लग रहा है, पर थैंक गॉड भगवान जी का जिन्होंने मेरे बाबा को अच्छा कर दिया। और बस मैं बहुत जल्द बाबा से मिलने के लिए जाऊंगी। दादाजी एकदम सीरियस हो गए हैं। कची पकड़ लगा तू पकड़ी वा पीछे लगा कटवा ओहो दुख है ना ओहो अचानक एकदम सीरियस हो गए हैं। पता नहीं कैसे भाई पानी तो बहुत ज्यादा। ये पहले ब्लड दे चुके हैं तो 2 सर्टिफिकेट मिला है, इससे हम लोग को ब्लड मिलेगा, देखते हैं अभी। इधर बबीता एकदम पसीने पसीने हो गए, इतना भाग दौड़ हो गया ना सुबह से, मतलब कि अभी जाके दवा लाए हैं और मौसा जी इधर सब कोई आ गए चाची ने इधर कम से कम 10 समथिंग है पर मैंने कि ब्लड की ज़रूरत है कम से कम 2 पैकेट, जिसमें उसके चलते बाहर नीचे में है ब्लड जो है वो आया है। हम लोग यहाँ देवर जी में दादा जी को ना ऑपरेशन के अंदर गए हुए हैं, अब हम देखते कितना दिन आतेगा। आप सब भगवान से दुआ कीजिएगा उनका ऑपरेशन, और हम लोग अभी नहीं रात रहे 3 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, जब जब जा रहे तब तक शेयर कर रहे हैं, तब तक दादा जी के जा रहे हैं, लेकिन दवा वाला है ट्रीटमेंट करा के हम लोग सुन बनाए थे, फिर दवा सब लिया है किसी को अंदर सब दिन टोटल, अब देखते हैं कितना दिन यहाँ पर। हाँ दे दिया अभी ब्लड जाँच के लिए है, डीएम है जा रहे हैं इसकी जाँच करवाने के लिए, अर्जेंट है देखा ना अर्जेंट है, पता नहीं कहाँ मम्मी साथ जा रही देखती हूँ।
दोस्तों एकदम भाग दौड़ हो गया है। और ये देखिए अभी रिपोर्ट मिला जा रहे हैं, देखिए अर्जेंट था इसलिए फोन कर दिया 10 मिनट 15 मिनट बहुत समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रहा है यहाँ पर। बस उतना शुक्र हुआ कि जगह दादा जल्दी से ठीक हो जाए, पता नहीं कि इतना बड़ा कार्य इतना जल्दी कैसे हो गया नहीं पता चल रहा। फिर से ब्लड जाँच आ गया और ये देखिए अभी जा रहे हैं, उसको भी जाँच करवा देते हैं। काफी देर से हम लोग ना वेट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए मम्मी सब है पर अभी तक दादा जी निकले नहीं है बाहर। मतलब होने लगा है कि आदमी कहेगा जबरदस्ती करवा दिया। सोच रहा हूँ कि कब निकलेंगे हम, 11 बजे ही दादा जी गए थे और अभी टाइम देखिए कितना बज गया है, ठीक अच्छा मिलेंगे तो ये देखिए अभी 2:15 बज गया है ना ठीक, और अभी तक वो निकलेंगे काम करेंगे, पता नहीं कब निकलेंगे हम लोग, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बस सब लोग बातें कर रहे हैं। तो ये देखिए दादाजी को प्रॉब्लम था जो निकाल दिए हैं, अब देखते हैं क्या कचड़ा कचड़ा था। दादाजी इधर आ गए और इसी चलते इनको पेट में सूजन हुआ था ना। दोस्तों ये जो खराब था अतरी वो दादाजी का निकाला है, डॉक्टर ने इसको बोला है चेक के लिए भेजेगा लेबोरेटरी में, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं देखते हैं कहाँ पर कैसे होगा, उसको फिर दे देते हैं। दोस्तों डॉक्टर कुछ बोलता है जब जाँच कर जाते तो हम पता चलता है कुछ, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब लिख के देंगे और उसको दवा चेंज करवा कर लाएंगे तब लेबोरेटरी करेगा, समझ में होता है कि किसका बात सुने कहीं कुछ और कहीं कुछ और होता है। अब डॉक्टर साहब देखते हैं आज नहीं आएंगे सर ना, अब कल है ना 10 बजे, तो देखते हैं क्या होता है आने के बाद। इसका रिपोर्ट देंगे पेपर पेपर बना के देंगे, मतलब खैर यहाँ बहुत दौड़ना पड़ता है, यहाँ वहाँ भागना पड़ता है तब जाके काम होता है, लेकिन हम लोग सुबह से घूमना पड़ता है यहाँ भाग बैठे तब जाके कुछ हुआ। दादाजी से बात करने के लिए सॉरी बबीता कैसी आप कैसा थी बात शाम, और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हॉस्पिटल में खाना लेकर जाने के लिए। तो ये देखिए थैला मेरा ससुराल होता है इसी में सब डाल दे रहे हैं, इधर भात उत सब निकल गया है, रोटी निकल गया है, इधर सब्जी भी डाल दिए हैं, और भाई जो है मेरा वो जाएगा अभी वहीं से रह जाएगा, वहाँ पर मम्मी हैं चाची हैं तो दू लोग काफ़ी, फिर सुबह हम लोग जैसा होता है ऐसा फिर जाके देखेंगे करेंगे, बाकी जो इम्पोर्टेंट काम था ना हम लोग सब करके आए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा मोटा जानते करते हैं बचले रहता लेकिन चलिए वो भी हो जाएगा। बस आप सबका दुआ काम किया जो दादाजी अभी फिलहाल होश में आ गए, हम लोग से बात भी किए तो बोले भी, आप लोग बस अंगूठ से प्रे कीजिएगा अच्छे से घर पे आ गए, क्योंकि हम लोग सुबह से इतना परेशान थे ना, ये थोप जो कहते हैं समय नहीं मिल पाया वहाँ जाने के बाद, आप सब जानते करते हैं हॉस्पिटल में कितना लफड़ा होता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जहाँ चलो बाप रे बाप, एकदम दौड़ दौड़ की हालत खराब है, तो ऊपर नीचे करो एकदम परेशान, वहाँ पर ऐसा सा कुछ कांड हुआ तो दोस्तों ना जो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे, आप भी कहो ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी, लेकिन हम लोग साथ बहुत बुरा हुआ वहाँ पर, ऐसा कोई उम्मीद नहीं कर सकते फिर कैसे हो सकता है, खैर बचाने वाले ऊपर वाला है तो कोई बात नहीं। इधर नीलम खाना बना रही है, गुड इवनिंग, और बबीता इधर खाना साय दी है, साय दी है रोटी सब्जी और चावल। चलो फिर चल तुम धो क्या तैयार, हाँ आपको बस ऐसे बैग उदू डाल दो हम ज्यादा नहीं खाएंगे, वही वाला साल दे दो, हाँ गमछी चाहिए क्या है वो गमछी ले लिया है, गमछी दे दो वाला कान बांधना होगा ठंडा लगेगा तो, हाँ दे दो दे दो बाबा को हो जाएगा, चलो जा रहे खाना लेकर निकल रहे हैं साल ना, दादी कहा जाते झूठो के अभी पसंद नहीं तुम ना ले जाइए, हाँ दे दो ओढ़ने के लिए काम हो जाएगा, चलो मुड़ दे सब मौसी सब सब लोग बहुत ज्यादा हेल्प किए तब जाके हम लोग, सबसे ज्यादा तो मौसा जी के जो कांटेक्ट वाले थे वो उतना ज्यादा हेल्प किए कि अभी दादाजी का कंडीशन बहुत अच्छा अभी हम लोग को बेटर फील लग रहा है, दिन भर अच्छा नहीं लग रहा था एकदम, इतना हम लोग परेशान थे आना एकदम मत पूछिए बहुत ज्यादा।
कची खराब हो दे रहे रुको अच्छे आलपिन लगा दो हाँ काची निकाल रहे हो अरे जल्दी करो यार काफी ज्यादा लेट हो रहा है ठीक पिन उन सब रखे हैं क्या है इसमें लो